हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज एक सिंपल सा फॉल्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। यहाँ देख सकते हैं, एक 24 इंच का टी सीरीज का टीवी है। ये टीवी ऑटोमेटिक इसमें मेनू वर्क कर रहा है। इसको हम पहले ऑन करते हैं और देखते हैं इसका कंडीशन। ये टी सीरीज का लोकल ब्रांड है। यहाँ देखिए, सेट ऑन हुआ और फिर ये हरकत में आ गया। ये ऑटोमेटिक ये मेनू आ रहा है, जा रहा है ये, और बहुत फास्ट है। दोस्तों, इस फॉल्ट को हम आज रिपेयर करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है सारी डिटेल हम देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें अलग से की बटन जो है बाहर लगाया हुआ है, शायद ख़राब था पहले। जो भी हो, इसको हम प्रेस करते हैं तो कभी कभी रुकता है। यहाँ देख सकते हैं, मेनू में कुछ हरकत आता है कभी कभी। सो इसका केबल हम निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है कि इसका शॉर्ट हो कोई। देखिए, इसका केबल निकालने के बाद भी इसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें टीवी सेट को अभी ओपन करना होगा। यहाँ देख सकते हैं, हमने टीवी को ओपन कर लिया है। इसमें पहले भी काम हुआ है। यहाँ जो है कन्वर्टर लगाया गया है अलग से, और की सेट भी इसमें अलग से दिया हुआ है। अभी भी इसमें सेम हरकत है, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया है। अभी थोड़ा लेट काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कंडीशन सेम ही है। तो चलिए, हम इसको पहले हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। इसमें थोड़ी बहुत कचरा डस्ट हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। इसको कभी कभी डस्ट के वजह से, नमी की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आता है, तो हम इसे पहले क्लीन करेंगे। पेट्रोल है हमारे पास, हम पेट्रोल से करेंगे। अभी ब्रश लेकर पेट्रोल से हम इसको थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे। इसकी जो आईसी है, एक हाथ से संभव नहीं हो पा रहा है। हम इसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं और बोर्ड को हम पहले दोनों हाथों से पकड़ के बढ़िया तरीके से इसको क्लीन करेंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें भी नमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसमें 7 की वाली जब यूज़ होता है तब ये रेजिस्टेंस का काम आता है। सो इसका हीट सिंक को हम निकाल लेते हैं। इसको ना हम वॉश तो कर लिए हैं, लेकिन हम इसको रिसोल्ड भी करेंगे, क्योंकि इसका आईसी का जो लेग है ये थोड़ा कचरा टाइप का जमा हुआ हमें दिख रहा है, तो इसको हम रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड करने के लिए दोस्तों, आपको एक बढ़िया पेस्ट आपके पास होना चाहिए। ये देखिए, हम ये पेस्ट यूज़ करते हैं। ये पेस्ट आपको कई काम में यूज आएगा। एलईडी टीवी अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको ये पेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसी से काम किया करें, नॉर्मल जो पेस्ट आता है क्विक, वो सब यूज़ आप ना करें। इसमें देखिए, ये वाइट पेस्ट है, डब्बे के अंदर है करके थोड़ा घी कलर का हमें दिख रहा है। नॉर्मली ये एकदम वाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट है। इसको हम जो वॉल आईसी होता है, इसको भी हम इसी पेस्ट से उसको रिसोल्ड करते हैं। कभी कभी वॉल आईसी में बहुत सारी शिकायत आता है, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, सोनी में काफ़ी बार देखा गया है नो पिक्चर का इशू आता है। तो ये पेस्ट आपको तब यूज होगा। आप देख सकते हैं, हम इसको उठाए हैं तो यहाँ ये देखिए, एकदम वाइट है ये पेस्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट है, आपको ये पेस्ट रखना चाहिए अपने पास। यदि आपको अपने आसपास नहीं मिल रहा है तो हम ये पेस्ट आपको इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चाहे तो परचेस कर सकते हैं। ये पेस्ट आपको रखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको रख लीजिएगा। यदि आपके आसपास के शॉप पे मिल रहा है तो वहीं से परचेस कर लीजिए। यहाँ देखिए, हम आईसी के चारों ओर से पहले इस पेस्ट को लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको हम थोड़ा रिसोल्ड करेंगे। दोस्तों, ये पेस्ट डालने से ना आपको बाद में रिसोल्ड करने के बाद आपको फिर इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ये पेस्ट जो है इसको डाल के करेंगे तो आपको फिर वॉश करना पड़ेगा, आपका सर्किट पूरा कचरा हो जाएगा। लेकिन ये जो पेस्ट है हम यूज़ करते हैं, इससे आपका बोर्ड बिल्कुल कचरा नहीं होगा। ऊपर से आपका जो आईसी का जो लेग है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा रिसोल्ड होने के बाद।
इतना ज़बरदस्त है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। अब हम इसको हीट करेंगे, जो हमारा ब्लोअर मशीन है इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसका हीट भी सेट कर लेते हैं। हम इसको रखेंगे लगभग 300 पे, 325 पे रखते हैं और हीट को हम जीरो पे रखेंगे, ताकि ज़्यादा हीट नहीं दें, एयर को हम जीरो पे रखे हैं, ज़्यादा एयर नहीं देंगे इसमें। पहले थोड़ा ऊपर रख के हम इसे जो पेस्ट हम लगाए हैं इसको थोड़ा गला लेंगे और आईसी के अंदर ताकि चला जाए थोड़ी बहुत, फिर हम इसको जो गन है हमारा नज़दीक लेंगे आईसी के। अब देखिए गल चुका है, अब हम थोड़ा नज़दीक लेके इसको हीट करेंगे चारों ओर से। तब तक हीट करेंगे जब तक इसका लेग हमें चमकता हुआ ना दिखने लगे, और ज़्यादा भी हीट नहीं करना आपको, ताकि आपका आईसी एकदम ही डैमेज ना हो जाए, क्योंकि आपका सेट तो चालू है, डैमेज हो जाएगा तो सेट बंद हो जाएगा आपका। हम बंद कर लेते हैं मशीन को। अब हम इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे पहले, क्योंकि गर्म है इसी, अभी भी तुरंत अगर हम सप्लाई देंगे तो आईसी डैमेज होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर हमारा ये सर्किट जो है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, अब हम ऑन करके देखेंगे। ये देखिए सेट हमने ऑन किया, ये कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अब इसमें कोई मीनू जिस टाइप का इसमें आ रहा था वो नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डस्ट और नमी की वजह से इस बोर्ड में ये शिकायत आ रहा था। ये सेट ओके हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।